गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में अपन बल आघूर्ण के बारे में बात करें। तो किसी बल का किसी नियत स्थिर बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है। ये तो हुई इसकी बेसिक डेफिनेशन। और घूर्णन गति के अंदर बल आघूर्ण का वही महत्व होता है जो रेखीय गति में बल का होता है। अतः बल आघूर्ण का मान नियत बिंदु के सापेक्ष कण के स्थिति सदिश r तथा कण पर लगने वाले बल f के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए कोई कण है, इस P बिंदु पर स्थित है, इस जगह इस पर f बल लग रहा है और इसके इस अक्ष के सापेक्ष अपन निकाल रहे हैं बल आघूर्ण। तो इसका जो स्थिति सदिश है यह है r दिया हुआ है ये वाला। तो बल आघूर्ण का मान नियत बिंदु के सापेक्ष के स्थिति सदिश r तथा कण पर लगने वाले बल f के सदिश गुणनफल के बराबर होगा। इसको टॉ से प्रदर्शित करते हैं और किसी कण पर लगने वाला बल f है, मान लो ये f बल लग रहा है, ये बताया अभी, तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक, बल आघूर्ण भी सदिश राशि होती है और इस दिशा आर तथा एफ के तल के लंबवत होती है और इसको अपन दाहिने हाथ के पेंच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और टॉ की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। तो अपन टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहां पर थीटा क्या है, आर तथा एफ के बीच का कोण है, ये वाला एंगल, ये एंगल सॉरी ये थीटा दिया हुआ कोण है। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर थीटा इज टू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि आर और एफ एक दूसरे के लंबवत हो, तो अपन क्या ले सकते हैं, टॉ इक्वल टू आर एफ साइन 90। और साइन 90 कितना होता है, 1। तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एफ। ठीक है, और यदि इसी इक्वेशन में अगर यहां पर अगर थीटा का मान यदि 0 हो जाए उस केस में क्या होगा, ये देखते हैं। इसको अपन क्या लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 होती है, तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, और जो बल आघूर्ण होता है उसका मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर सॉरी डाइन सेंटीमीटर या और एम के सिस्टम के अंदर न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, इसी में एक और है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंत में कोणीय संवेग के बारे में भी बताया था। कोणीय संवेग क्या होता है, जे से निरूपित करते हैं और आर क्रॉस पी के बराबर है कि पी है पार्टिकल का रेखिक संवेग और आर उसका पोजीशन वेक्टर है। तो जे इज इक्वल टू आर क्रॉस होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही इसके बारे में डिटेल से बताया है। अब यदि इस इक्वेशन को अपन टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं या अवकलित करें तो क्या लिख सकते हैं, डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू आर क्रॉस पी या डी अपॉन टी ऑफ आर क्रॉस पी। अगर इसको ओपन करें तो क्या आएगा, डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी अपॉन डी टी, ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी आपके। इस तरह से किया, इसको अगर अपन यहीं छोड़ दें और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू अलग से निकालें तो डी आर अपॉन डी टी किस बराबर होता है, v के बराबर, और p इज इक्वल टू कितना होता है, एम वी के बराबर। तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस p कितना ले सकते हैं, को डी आर अपॉन डी टी को तो अपन ने v लिख दिया और p इज इक्वल टू क्या कर दिया, एम वी, ऐसे लिख दिया। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, m इंटू v क्रॉस v, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर, क्रॉस v 0 होता है इसलिए। तो फाइनली डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी कौन क्या कर सकते हैं, 0 लिख देते हैं यहां पर, इस वाली टर्म को अपन ने जो कर दिया।
तो डीजे अपॉन डीटी कितना आ जाएगा, डीजे अपॉन डीटी इज इक्वल टू क्या बचा, आर क्रॉस डीपी अपॉन डीटी। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दल दर वस्तु पे लगाए के बराबर होती है। तो डीपी अपॉन डीटी इक्वल्स क्या ले सकते हैं अपन, एफ। ये काम में ले लिया तो फाइनली डीपी अपॉन डीटी की जगह एफ लिख दिया, तो डीजे अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ जाएगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और आर क्रॉस एफ किसके बराबर होता है, अभी डेफिनेशन आई है मैंने, लागुण के बराबर। और इसको अपन किससे निरूपित करते हैं, टॉ से निरूपित करते हैं। तो डी इसको जगह अपन ने टॉ लिख दे मान लो, तो डीजे अपॉन डीटी इक्वल्स टू टॉ आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं फाइनल डेफिनेशन अपन, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल लागुण के बराबर होती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।